भी मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे बना। देखिए ब्लाउज मैंने कट कर लिया, ये ब्लाउज है और ये इसका अस्तर है, ड्राफ्ट अस्तर पर कर लेते हैं। देखिए ब्लाउज की लंबाई मैंने 15.5 इंच ली है और ये हमारा 44 का है, 13 इंच लिया है। तैयार करेंगे फोर्थ भाग, 11 इंच आएगा, 2 इंच का मार्जिन है, तो कोई भी साइज का लेते हैं, 2 इंच का मार्जिन ले लें। मुड्डे 5.5 इंच, शोल्डर 6 इंच। अभी नेक ड्रॉ करते हैं, तो देखिए शोल्डर से 3 इंच ले लें। मैं इसमें डोरी लगा रही हूँ, अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो 2.5 इंच ले सकते हैं। तो देखिए मैंने 12 इंच लिया है, इसमें डिजाइन भी आने वाली है, तो 12 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। और अभी शेप दे देते हैं, तो शोल्डर से सेम रहेगा, नीचे से हल्का सा ब्रॉड कर देंगे। देखिए इस तरीके का ये राउंड शेप आएगा, सेम शेप में कट कर देते हैं। देखिए ये कट हो चुका है और अभी सिलने का तरीका बताते हैं। देखिए नीचे मैंने सीधा ब्लाउज रख लिया है, इसके ऊपर अस्तर। देखिए नेक ड्राफ्ट को सेम साइज में इसको स्टिच कर दूंगी, नीचे कमर में फिनिशिंग दे देंगे, नेक को कट कर देंगे, फिर इसको पलट देंगे और उसके बाद जो पैच देने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं। देखिए मैंने एक कैनवास का टुकड़ा ले लिया है, साइज बता देते हैं। डबल फोल्ड कर लिया है, 5 इंच है, सिंगल करेंगे 10 इंच है। और अभी हम इसमें डिजाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे हम 1.5 इंच नीचे एक मार्किंग कर लेंगे, इस शेप में इसको कट कर लेंगे। और जो इसकी लंबाई ले लेंगे वो हम 5 इंच ले लेते हैं, बाद में कट कर देंगे स्टिच होने के बाद। देखिए कहीं ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से ब्लाउज का कपड़ा और अस्तर भी ले लेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया था, मैंने इसको स्टिच कर लिया, नेक को कट कर दिया है, कमर में भी सिलाई डाल दी है और अभी इसकी पलट के फिनिशिंग दे देते हैं। तो देखिए इसकी मैंने फिनिशिंग दे दी है, 5 इंच लंबी प्लेट भी डाल दी है, तो ये तैयार हो चुका है। इसको साइड में रख देते हैं। और देखिए जो पैच के लिए कपड़ा कट किया था मैंने, इसी तरीके से ब्लाउज का कपड़ा अस्तर दोनों स्टिच कर लिया है। तो देखिए यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक स्टिच डाल दिया था, कपड़े को कट कर दिया, इसको पलट देते हैं। तो देखिए दो मैंने गोल्डन पीस ले लिए, दो मैंने ग्रीन कलर का जो ब्लाउज है ये मैंने 2.5 बाई 2.5 के पीस ले लिए हैं, तो इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और एक और फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे सिलाई डाल देते हैं। तैयार हो गए, इन पीसों को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। देखिए ये स्टिच कर दिए मैंने और ये मैंने एक गोल्डन लेस ली है, तो देखिए एक लाइन तो हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे और एक लाइन और स्टिच करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए एक लाइन स्टिच कर दी है और इसमें थोड़ा सा 1 इंच का गैप देके दूसरा लाइन स्टिच कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी स्टिच हो चुका है और इसी तरीके से जो हमारा नेक है ब्लाउज का, इस ब्लाउज के नेक में भी स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने चौड़ी वाली लेस ले ली है और डोरी भी ले ली है, शोल्डर से 3 इंच पे हम डोरी को लेस के नीचे ही स्टिच कर देंगे। तो देखिए मैंने इसमें लेस स्टिच कर दी है, चौड़ी वाली लेस नेक में स्टिच कर दी है, पतली वाली कमर में। और अभी पैच को अटैच करते हैं। तो देखिए ब्लाउज का सेंटर ले लें, जैसे कि मैंने आयरन किया था तो यहाँ पर लाइन बन गई है, और सेम जो पैच है इसका भी सेंटर ले लेंगे। तो देखिए जो हमारी ये शेप आ रही है यहाँ तक, अभी इसको पहले पिनअप कर लेते हैं, उसके बाद स्टिच करेंगे। तो देखिए कमर में भी मैंने डबल स्टिच डाल दिए लेस पे, ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में। और देखिए पैच भी हमारा पूरा डबल स्टिच डाल दिया यहाँ पे, तो ये भी अच्छे से तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक बटन स्टिच कर दिया है और देखिए जो ट्रायंगल तैयार किए थे इसमें मैंने 2 मोती स्टिच कर दिए हैं, जो गोल्डन कपड़ा था हमारा उसी में मैंने मोती स्टिच किए हैं। और जो डोरी लगाई थी इसमें मैंने सिंपल से लटकन लगा दिए हैं, आप कैसे भी डिजाइनर लटकन बना के भी लगा सकते हैं। तो पहनने के बाद आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।